2023 से पहले निषाद समाज को मिलेगा आरक्षण। संत कबीर नगर के सांसद का बड़ा बयान, आरक्षण की फाइल सामाजिक न्याय मंत्रालय तक पहुंची। देहरादून में जनता ने किया सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम धामी समारोह में हुए शामिल, जनता ने किया अभिनंदन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुआ हमला, लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। उत्तराखंड की पांचवी विधानसभा का सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित, 7 घंटे 23 मिनट तक चली कार्यवाही, सत्र में उत्तराखंड विनियोग विधेयक समेत 2 अन्य विधेयक पारित। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार संत कबीर नगर पहुंचे, जहां निषाद समाज के लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एसोसिएट एडिटर हेमंत सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि निषाद समाज के आरक्षण की फाइल सामाजिक न्याय मंत्रालय में पहुंच गई है और निषाद समाज को जल्द ही आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर संजय निषाद ने, आपको सुनवाते हैं। बधाई है आप लोगों सबको, जनता को। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कौन 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 सी प्राथमिकताएं होंगी आपकी? इस समाज का संघर्ष कर रहा था, गरीबी लाचारी बेकारी से इन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए, जो भी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए काम होगा, जो इनके व्यापारों पर दूसरे कब्जा इनको दिलाया जाएगा, भागीदारी दिलाया जाएगा, मत्स्य मंत्रालय को एक नंबर किया जाएगा, अब दूसरे प्रदेश से कोई मछली नहीं आएगी, इस प्रदेश से दूसरे में जाएगी। डॉक्टर साहब, आरक्षण के मुद्दे पर कब आरक्षण मिलेगा आपके सब होगा, सब होगा, 70 साल से इनके हर क्षेत्रों में भागीदारी होगी। डॉक्टर साहब, आरक्षण के मुद्दे पर अपने समाज को कब तक हक मिलेगा? वो भी मत्स्य मंत्रालय, वो भी जो है वो भी सामाजिक न्याय मंत्रालय तक कागज पहुँच गया है, जल्दी दिखेगा उसको भी सर। हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मत्स्य विभाग के जरिए जो है निषाद समाज को हक और हुक मिलेगा, और जो है आरक्षण के मुद्दे पर डॉक्टर संजय निषाद का कहना है, वो भी फाइल दौड़ रही है तेजी से, और जो है सरकार दोनों आपकी उत्तर डबल इंजन की सरकार है और जल्दी ही जो है आरक्षण के मुद्दे पर आरक्षण जो है निषाद समाज को मिलेगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर की तस्वीरें, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार संत कबीर नगर पहुंचे और ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो जहां एक तरफ निषाद समाज के लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने उनका स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एसोसिएट एडिटर हेमंत सिंह से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की। और इस दौरान संजय निषाद कहते हुए नजर आए हैं कि निषाद समाज के आरक्षण की जो फाइल है, जो कि मुद्दा बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब तय माना जा रहा है। आरक्षण की फाइल सामाजिक न्याय मंत्रालय में पहुंच गई है और निषाद समाज को जल्द ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये कहते हुए वो नजर आए हैं। 2023 तक इसका लाभ मिल सकता है, तस्वीरें क्लियर होती हुई अब नजर आ रही हैं। संत कबीर नगर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, संजय निषाद और यहाँ पर उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और निषाद पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं, भव्य स्वागत उनका किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के एसोसिएट एडिटर हेमंत सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत जी, संजय निषाद बड़ा चेहरा कैबिनेट मंत्री और पहली बार जीतने के बाद संत कबीर नगर पहुंचे और बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी खुशखबरी दी है निषाद समाज को। जी बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर संजय निषाद संत कबीर नगर कैबिनेट मंत्री होने के बाद जब आए हैं और उनकी लड़ाई जो है निषाद समाज को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर ही वो राजनीति में आए थे और राजनीति में और हक और हुकूक दिलाने के मकसद से उन्होंने बयान जो दिया था और राजनीति में आने की बात कही थी कि निषाद समाज को उनका हक और हुकूक मिलेगा। और निषाद समाज पहले जब डॉक्टर संजय निषाद जो है समाजवादी पार्टी में थे तब भी जो है संघर्ष कर रहे थे और आज भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल है और सहयोगी दल के रूप में है, तो
उनका साफ तौर पर कहना है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय में जो है उनकी फाइल जो है आरक्षण की निषाद समाज की पहुंच चुकी है, और वही उनके बेटे जो संत कबीर नगर से सांसद है प्रवीण निषाद, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिताजी के सुझाव पर और उनके जो है पिताजी के सुझाव जो दिया था उन्होंने संजय प्रवीण निषाद ने जो मोदी जी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को जो उन्होंने जो अपना प्रस्ताव भेजा था वो मान लिया गया है, और 2023 से पहले जो है आरक्षण की हो सकती है और निषाद समाज को एक बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म मिल सकता है, निषाद समाज को हक हकूक दिलाने की बात कहने वाले निषाद समाज के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का मानना है कि 2023 से पहले जो है निषाद समाज को आरक्षण का हक जो है वो मिल जाएगा, और उसी पर हमारा न्यूज इंडिया का साफ फोकस था कि चुनाव में जो संघर्ष करते आए हैं और निषाद समाज को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी में खेमे में जब गए थे और उन्होंने ये कहा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अगर साथ रहेगी तभी आरक्षण का मुद्दा उनका सुलझ सकता है और निषाद को समाज को जो है आरक्षण मिल सकता है। तो आज जो है केंद्र की और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और उसमें सहयोगी दल के रूप में निषाद पार्टी है, तो ये जाहिर सी बात है उनके प्रयास चल रहे हैं, और उन्होंने कहा है साफ निषाद जो सांसद है संत कबीर नगर के, उन्होंने न्यूज वर्ल्ड इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि जो अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको आश्वासन दिया है और 2023 के पहले जो है जो आरक्षण का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। और जाए तो कुछ लोग ऐसे थे और कुछ विपक्षी दल ऐसे थे जो लगातार इस मुद्दे को भुना रहे थे और कह रहे थे कि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी, प्रदेश में भी, लेकिन उन्होंने निषाद समाज के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आज ये बड़ा ऐलान यहाँ पर संजय निषाद कहते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं बोलती बंद अब उन लोगों की हो गई होगी, ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, विपक्ष हमेशा निशाना साधता रहा है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि उन्होंने अपना परिवारवाद को मजबूत किया है और अपने लड़कों को, एक लड़के को सांसद और एक लड़के को विधायक बनाया है निषाद पार्टी से, और उन्होंने अपने परिवारवाद को आगे बात को आगे बढ़ाया है राजनीति में, तो उस पर विराम लगा है और विपक्षी पार्टियों की जो है जो आरोप थे उनको एक करारा जवाब मिला है, और ये एक्सक्लूसिव बातचीत जो है एक्सक्लूसिव बयान में न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ ही डॉक्टर संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद ने न्यूज वर्ल्ड इंडिया को ही दिया है, और एक्सक्लूसिव खबर है ये अपने चैनल के पास कि 2023 से पहले निषाद समाज को आरक्षण मिल सकता है, जिस तरह से प्रवीण निषाद सांसद ने ये बयान अपना दिया है न्यूज वर्ल्ड इंडिया को, तो उसमें साफ कहा है कि उससे पहले ये चुनावी वर्ष था, इस वजह से अभी तक ये लटका हुआ था, पेंडिंग ये पड़ा हुआ था ये मामला, लेकिन ये चुनाव बीत चुके हैं और 2023 से पहले जो है ये जो आरक्षण का मुद्दा है निषाद समाज के, वो निषाद समाज को आरक्षण मिल जाएगा, उसकी कवायद पहले से ही डॉक्टर संजय निषाद और प्रवीण निषाद साथ मिलकर कर रहे थे। जी केवल जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो डॉक्टर संजय निषाद से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2023 तक जो आरक्षण का फाइल था वो कहीं ना कहीं अब क्लियर हो जाएगी और जो आरक्षण है वो निषाद समाज को मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जनता ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। दूसरी बार सीएम बनने के बाद ये नागरिक अभिनंदन का पहला मौका रहा जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को जल्द धरातल पर उतारेगी, साथ ही राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास हमारी प्रतिबद्धता रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में विकास की दृष्टि से प्रदेश के आने वाले 5 साल स्वर्णिम साल होंगे। हमारे वादे के अनुसार हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही उत्तराखंड में लागू करेंगे। और 1 घंटे का सफर होगा दिल्ली से देहरादून का, और आधे से पौन घंटा आपको जो आपका हवाई जहाज से आप उतरते हैं नीचे सामान लेने तक जो बेल्ट में सामान आता है पौन घंटा भी 1 घंटा पूरा लग जाता है, और उसके बाद आपको 1 घंटा जो है उसमें लग जाएगा
जहां दिल्ली में आपने कहीं जाना होगा, तो कितने घंटे हो गए, कितने हो गए विनोद, चार की पांच, और रोड से कितने लगेंगे, दो घंटे में। तो वो मुझे कह रहे थे कि पुष्कर भाई तुमने उस दिन बहुत अच्छी बात कही और मैं आज जो है तुम्हारी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आने वाले समय में ये खराब बात नहीं होगी। बोले ऐसे ही कोई नागपुर और पता नहीं कहां पुणे का बता रहे थे कि वहां का भी रास्ता इतना अच्छा हो गया है कि वहां पर हवाई जहाज एक तरह से हवाई सेवाएं लगभग बंद सी हो गई, लोगों को सुविधा जिसमें होगी उसमें जाएंगे। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुए हमले के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बता दें कि लखनऊ के 1090 चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। तो लखनऊ की तस्वीरें आप, कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। दरअसल जब से अरविंद केजरीवाल ने कश्मीर फाइल्स को लेकर, यानी कि जो फिल्म बनाई गई थी उसको लेकर उसे झूठा बताया, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल को लेकर ट्विटर पर भी कई तरह के हैशटैग चल रहे थे और अरविंद केजरीवाल शर्म करो जैसे भी नारे लगाए गए हैं। और इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कुछ बीजेपी समर्थक पहुंचे और वहां पर तोड़फोड़ की गई है, जिसके बाद इसका विरोध करने के लिए आप कार्यकर्ता लखनऊ में 1090 चौराहे पर जा पहुंचे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड की 5 विधानसभा का पहला 2 दिवसीय सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 दिवसीय सत्र के 7 घंटे 23 मिनट तक कार्यवाही चली, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। वो चाहती हैं कि अपने कार्यों से वो सदन में अपनी छाप छोड़े। सत्र में 21,116.81 करोड़ के उत्तराखंड विनियोग विधेयक के साथ 2 अन्य विधेयक भी पारित हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जितनी सौहार्दपूर्ण में चीज़ें हों, जितने आराम से चीज़ें हों, उतनी ही बात जनता तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने से ना तो जनता कुछ सुन सकती है, और एक हमें अपनी जो जनता है उसको शायद ये भी दिखाना है कि जब हम संसद में चुनकर आते हैं, जब विधानसभाओं में चुनकर आते हैं, तो एक तरह का व्यवहार होना चाहिए और बहुत आवश्यक है कि हम उस व्यवहार को जनता तक पहुंचाएं और दिखाएं। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है और जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं उसी तरह से इस मंदिर का भी हमें आदर करना चाहिए और शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। इसके बावजूद कहना चाहूँगी कि उनका वो लोकतांत्रिक अधिकार भी है, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा और सॉफ्टली होता तो और ज़्यादा, लेकिन फिर भी चलिए, उनका भी आभार है सभी का। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था देखने भी पहुंच गए, जहां पर डिप्टी सीएम के आने से कर्मचारियों और डॉक्टर्स में हड़कंप मच गया। वहीं डिप्टी सीएम ने सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स को जमकर फटकार लगाई है। तस्वीरें लखनऊ से। ब्रजेश पाठक नव निर्वाचित उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य विभाग मिला है और इसी कड़ी में अपने काम पर वो निकल पड़े और अस्पताल पहुंचे, जहां पर कुछ व्यवस्थाएं सही नहीं मिली, जिससे वो नाराज हो गए और सिविल अस्पताल ही बताया जा रहा है जहां पर उन्होंने डॉक्टर्स जमकर फटकार लगाई है। तो डॉक्टर्स की ये फटकार यहां लगी है और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स जो स्टाफ था वो उनमें हड़कंप मच गया था और इधर उधर चीजें व्यवस्थित करते हुए वो नजर आए थे। हाथरस में बागला डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लखनऊ आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से गोल्ड और रजत पदक लेकर हाथरस का नाम रोशन ही नहीं किया, ये साबित भी कर दिया कि इंग्लिश मीडियम से शिक्षा लेने वाले ही नहीं, गवर्नमेंट की प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा लेने वाले छात्र भी अपने परिवार का ही नहीं अपने जिले का भी नाम रोशन कर सकते हैं। काफी संघर्षपूर्ण मेरा रहा है शुरू से लेकर अब तक का,
तो आगरा यूनिवर्सिटी में यूपी की राज्यपाल श्री माननीय आनंदीबेन पटेल द्वारा मुझे ये सम्मान दिया गया है और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे लाइफ का पहला ऐसा मंच है जिसमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ये गोल्ड मेडल मुझे मिला है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हाथरस। शिक्षा कैसे रही आपकी अब तक? मैंने अपनी फोर्थ क्लास तक की तो कॉन्वेंट से ली थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरे फादर को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो इसकी वजह से फिर हम लोग गाँव चले गए थे अपनी नानी के गाँव। तो फिर मैंने उसके बाद से जो सारी पढ़ाई है वो गांव में ही करी है, हिंदी मीडियम में ही करी है। और उसके बाद फिर हम लोग टेंथ की पेपर वहाँ पास करके इलेवेंथ से फिर मैं हाथरस में दोबारा से पढ़ाई शुरू करी थी, और इलेवेंथ और ट्वेल्थ सरस्वती इंटर कॉलेज यही हाथरस में जो वहाँ से करी थी, ग्रेजुएशन भी इसी बागला से, और अब मैं फिर से बागला से ही बी एड कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। मेरे को टेंथ में भी मतलब मेरा मेरिट में लिस्ट में नाम आया था, तो अखिलेश यादव की सरकार की उस टाइम पर तो लैपटॉप मिला था। ट्वेल्थ में मेरा जिले में तीसरा नंबर आया था, तो योगी सरकार की तरफ से भी मेरे को पुरस्कार मिले थे जिसके लिए मैं लखनऊ बुलाया गया था, और अभी ग्रेजुएशन में भी मतलब मेडल के लिए नाम आया था। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूजा एमए इकोनॉमिक्स की छात्रा है जिसको 4 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में अंजलि को बीए थर्ड ईयर में पूरे विश्वविद्यालय में सेकंड पोजीशन प्राप्त हुई, और इसको रजक पदक से जो है क्या सम्मानित किया गया। और इसी क्रम में संतोष कुमार जो बीए थर्ड ईयर का छात्र है इसको हिंदी विषय में उत्कृष्ट पर रजत पदक प्रदान किया गया। जालौन पुलिस का अनोखा चेहरा देखने को मिला है, जहां पर पुलिस ने असहाय लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रही हैं। पुलिसकर्मी फुटपाथ पर गरीबों को खाना खिलाते हैं, दिव्यांग लोगों को उनके मंजिल तक पहुंचाते हैं। वहीं जालौन पुलिस की ऐसी कार्यशैली लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और जनता उनके कामों की सराहना भी लगातार कर रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिसकर्मी दिव्यांग जनों के पास पहुँच रहे हैं, जरूरत की चीजें पहुँचा रहे हैं, खाद्य सामग्री उन्हें दे रहे हैं, इसके अलावा उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाते हुए भी नजर आते हैं। वहीं जौनपुर पहुंचे योगी सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद यादव का जोरदार स्वागत किया गया। शाहगंज के जेसीजी चौक पर बीजेपी के चेयरमैन गीता जायसवाल और बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल ने राज्य मंत्री को माला पहनाकर स्वागत किया। राज्य मंत्री बनने के बाद गिरीश चंद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सरकार का बखान भी किया है। जो भी जिम्मेदारी मिली है उसमें पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और निश्चित रूप से खेल को प्राथमिकता के तौर पर युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे, और भी युवाओं को खेल की आवश्यकता होगी उसमें कोई कमी। वहीं ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में स्थित कूलर की घास बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी आग की चपेट में आ गए, जिसके बाद घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भी पहुंचाया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हालांकि वजह क्या थी आग लगने की ये साफ नहीं हो पाया है। वहीं देवभूमि में मई के पहले सप्ताह से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू, चारधाम यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। जिस प्रकार से 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है, और कोविड महामारी के आप सामान्य हो जाने के कारण से जिस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है, और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएँ हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो, उनके दर्शन हों,
उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। रायबरेली के शहर कोतवाली के केनाल रोड स्थित संजीवनी नर्सिंग होम में जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर स्टाफ पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं परिजनों के हंगामे को देखकर डॉक्टर स्टाफ अस्पताल छोड़कर मौके से भाग निकले। हंगामे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लोगों को समझा बुझाकर पूरे मामले को शांत कराया है। बरेली में आला हजरत खानदान की बहू और तीन तलाक पीड़िता निदा खान ने आरोप लगाया कि बीजेपी ज्वाइन करने पर उनको पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया। इतना ही नहीं, जब निदा शादी समारोह में शामिल होने गई तो उन्हें शामिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद निदा ने बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले निदा खान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। आगे मामू थे तो जाना बनता था, तो बुलावा आया तो हम लोग वहाँ पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका ये कहना था कि पहले मैं भाजपा से तोबा करूँ, उसके बाद ही वो शादी में शामिल होने देंगे। इसके इस बात ने जब तूल पकड़ा तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ जमा हो गई। उसके बाद मैंने पुलिस को बुलाया वहाँ पे। जब पुलिस आई तो मामला फिर शांत कर दिया गया। जैसे ही पुलिस गई तो दोबारा वो मामला गरमाने लगा, और उसके बाद उन्होंने कहा, एक ही बात पे वो स्टैंड लिए हुए थे कि भाजपा से तोबा करो। मैंने पूछा कि भाजपा से तोबा करने का क्या मतलब है इस टाइम, तो उन्होंने कहा कि भाजपा एक नॉन मुस्लिम पार्टी है, आज तक किसी बरेलवी मुसलमान ने उसका समर्थन नहीं करा है, और तुमने समर्थन और प्रचार दोनों करा है जो गैर मुसलमानी काम है, तो तुमको इससे तोबा करनी पड़ेगी। इसी बीच में चलते हुए काफ़ी धक्का मुक्की भी हुई, जिसमें छोटी मोटी चोटें भी आई। इसी मामले को लेकर मैंने FIR कल दर्ज कराई है। कौन लोग थे जो इस तरह का प्रेशर तुम्हारे पर बना रहे? मेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, मेरे मामू, उनका बेटा, और उनका ये कहना है कि तस्लीम मियाँ और तस्लीम मियाँ का दामाद जो अरसलान है, शिरान है, और उनके जो साले हैं जरताब वो बुरान जो सज्जादा नशीन है पीलीभीत में, उन सब का प्रेशर है उनके ऊपर, जो उनको ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तुम भी मेरी लाइन में आ जाओगे और कुफर हो काफिरों में शामिल हो जाओगे। थाना बारादरी के अंतर्गत जो वादनी है उनके द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि व्हाट्सएप के माध्यम से उनके जो जानने वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनको धमकी दी गई थी कि उन्होंने एक पार्टी विशेष को ज्वाइन किया, इस वजह से वो उनको अपना जो सामाजिक बहिष्कार उनका एक तरह से किया गया, और साथ में ये कहा गया कि अगर वो माफ़ी मांगेंगी उसके बाद ही उनको कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया, जो तहरीर है उसके आधार पर धारा 147 IPC 323 506 और 67 IT एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया है। 6 लोगों के ऊपर नामजदी मुकदमा है, और उनके जो दूसरा पक्ष है, प्रतिवादी पक्ष है, जो उनके ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया, और उसमें विवेचना की जा रही है, और विवेचना पक्ष के आधार पर प्रकाशित में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास मंत्री ने नगरीय निकाय निदेशालय का निरीक्षण किया, साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी ली। बैठक में विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि नगर आयुक्त तो और उच्च अधिकारी रोज सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच खुद निकलकर सफाई करवाएं और रिपोर्ट भी भेजें। आप देख रहे हैं जहां पर नगर विकास मंत्री ने नगरीय निकाय निदेशालय का एक निरीक्षण किया, साथ ही विभागीय अधिकारी जो थे उनके साथ एक चर्चा की है। विकास मंत्री ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि नगर आयुक्त और उच्च अधिकारी रोज सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच खुद निकलेंगे और सफाई करवाएंगे, साथ ही साथ रिपोर्ट भी भेजनी होगी। संभल में विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से
शासन ने आधार को प्रमाणित कराकर सीडिंग कराने का आदेश जारी किया है। जिन लाभार्थियों ने अब तक शासन के निर्देश को अनसुना किया, उन सभी को लाभार्थियों से जल्द आदेश पर अमल करने को कहा गया है, जिससे उन्हें पेंशन का लाभ मिल सके। इस संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र गौतम ने बताया कि शासन के आदेश के संबंध में मुनादी कराई जा चुकी है, मगर संभल में करीब 21,000 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में से सिर्फ करीब 2,000 ने ही आधार प्रमाणित और सीडिंग कराया है, जबकि 19,000 विधवा पेंशन धारक यहाँ पर है। चमोली के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर का 2 दिवसीय 48वां वार्षिक खेल समारोह कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने किया। अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद इस तरह की गतिविधियां नई उम्मीद पैदा कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं के लिए खेल एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य प्रोफेसर आर के गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, इसलिए छात्रों को अपने स्वास्थ्य और फिटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। का एनुअल स्पोर्ट्स डे जो 48th एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है, तो इसका आज विधिवत हमने शुभारंभ किया है और सबको यही संदेश दिया गया है कि जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एथलेटिक्स हैं, उसमें हर कोई जम लाइक बढ़ चढ़कर भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। सभी पार्टिसिपेंट्स को हमारी तरफ से बेस्ट विशेज दी गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।